बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे पास ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है और जो है वो टाइप कन्वर्जन क्या होती है और टाइप कन्वर्जन जो है वो कितने तरह की होती है। तो अब जो है वो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास है डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ रीड डाटा स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। रीड डाटा स्टेटमेंट क्या होती है उसको एग्जाम्पल के साथ बताएं। तो हमारे पास जो रीड डाटा स्टेटमेंट होती है ये जो है वो दो स्टेटमेंट्स का, एक हमारे पास क्या होगी रीड स्टेटमेंट और दूसरी जो है वो डाटा स्टेटमेंट। ये दोनों स्टेटमेंट्स जो होती हैं ये इकट्ठी जो है वो यूज की जाती हैं, इनको कंबाइन करके जो है वो यूज किया जाता है। तो इसके अंदर जो है वो रीड स्टेटमेंट किस लिए यूज होती है, ये जो है ये मुख्तलिफ वैल्यूज को जो है वो रीड करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होती है। मुख्तलिफ वैल्यूज जो होंगी उनको रीड करने के लिए रीड स्टेटमेंट इस्तेमाल होगी। तो वो वैल्यूज कहाँ पे सेव होंगी, मतलब कि डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज जो है वो सेव होंगी। तो आप कह सकते हैं कि ये जो है वो डिफरेंट वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए इस्तेमाल होती है और उसके अंदर जो वैल्यूज होती हैं उनको रीड करती है। अब जो दूसरी स्टेटमेंट है डाटा स्टेटमेंट, तो डाटा स्टेटमेंट किस लिए हमारे पास यूज होती है, ये आपके पास जो रीड स्टेटमेंट है उसने जो वैल्यूज रीड करनी है उसको वो वैल्यूज देने के लिए कि जो वैल्यूज रीड स्टेटमेंट ने रीड करनी है वो वैल्यूज रीड स्टेटमेंट को देने के लिए जो है वो डाटा स्टेटमेंट यूज होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो वेरिएबल्स हैं ए बी सी, तो वो जो है वो रीड ए बी सी लिख देंगे हम लोग। अब डाटा उनके अंदर जो स्टोर है वो डाटा स्टेटमेंट के साथ लिखेंगे, 10, 20, 30 लिख दिया तो क्या हो जाएगा, ए के अंदर 10, बी के अंदर 20 और सी के अंदर जो है वो 30 सेव होगा और उसको जो है वो रीड स्टेटमेंट रीड कर लेगी। तो डाटा स्टेटमेंट जो है वो वैल्यूज जो है वो जो वेरिएबल्स के अंदर स्टोर होनी है और जिनको जो है वो रीड स्टेटमेंट ने रीड करना वो वैल्यूज जो है वो देने के लिए इस्तेमाल होती। इन स्टेटमेंट्स को आप जो है वो इस्तेमाल करते हुए जो है वो काफी ज्यादा वैल्यूज जो होती है वो मुख्तलिफ वेरिएबल्स के अंदर जो है वो स्टोर कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि आप जो है वो एक वेरिएबल यूज करें, आप मतलब के एक वेरिएबल के अंदर भी वैल्यूज को जो है वो सेव कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं तो फिर भी आप जो है वो इसी स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं और उनके मल्टीपल वैल्यूज उनको दे सकते हैं। तो एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से सेपरेट करने के लिए क्या यूज करेंगे, आप जो है वो कॉमे का यूज करेंगे। इसी तरह एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से सेपरेट करने के लिए भी आप जो है वो कॉमे का यूज करेंगे। तो फिर क्या होगा कि रीड स्टेटमेंट के अंदर जो पहला वेरिएबल होगा उसके अंदर जो वैल्यू सेव होगी वो डाटा वेरिएबल के अंदर जो पहली वैल्यू होगी वो उसके अंदर सेव हो जाएगी। इस तरह रीड के अंदर जो दूसरा वेरिएबल होगा वो डाटा स्टेटमेंट के अंदर जो दूसरी वैल्यू होगी वो उसके अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगी। अच्छा, फिर जो है वो इसके अंदर आपको जो है वो डिफरेंट तरह के जो है वो एरर मैसेजेस जो है वो शो होंगे। आपको जो है वो एक मैसेज शो होगा टाइप मिसमैच एरर। तो ये वाला एरर जो है ये आपको कब शो होगा, अगर जो है वो आपने वेरिएबल की जो टाइप है वो आपके पास जो है वो न्यूमेरिक है और जो आपने डाटा उसको दे रहे हैं, जो वैल्यू उसको दे रहे हैं वो स्ट्रिंग दे दी, यानी कि न्यूमेरिक वेरिएबल को अगर आपने स्ट्रिंग वैल्यू दे दी तो फिर टाइप मिसमैच एरर होगा। इसी तरह टाइप मिसमैच एरर उस टाइम भी होगा अगर आपके पास जो वेरिएबल है वो स्ट्रिंग है और उसको वैल्यू आपने न्यूमेरिक दे दी, यानी कि अगर आपने वेरिएबल की टाइप और है और डाटा जो दे रहे हैं वो और टाइप का दे रहे हैं तो आपको जो है वो एक एरर मैसेज शो होगा जिसके अंदर लिखा हो टाइप मिसमैच एरर। तो इस मैसेज से आपको जो है वो पता चल जाएगा कि आपने जो मिस्टेक किया है कि वो आपने जो है वो वेरिएबल और टाइप का डिक्लेयर किया है और उसको जो डाटा दे रहे हैं जो वैल्यू दे रहे हैं वो और टाइप की दे रहे हैं। फिर उसके बाद आपको जो है वो एक और मैसेज जो है वो शो होगा, हो सकता है तो उसको क्या वो वाला मैसेज होगा आउट ऑफ डाटा। तो आउट ऑफ डाटा मैसेज जो है वो आपको कब शो होगा, जब जो है वो आपने जो रीड स्टेटमेंट के अंदर वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं वो आपने जो है वो ज्यादा डिक्लेयर कर दिए और जो नंबर ऑफ आपके पास डाटा वैल्यूज की जो डिक्लेयर किए हैं डाटा स्टेटमेंट के अंदर वो जो है वो आपने कम जो है वो डिक्लेयर किए। फॉर एग्जाम्पल आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं रीड स्टेटमेंट के अंदर वो जो है वो 5 डिक्लेयर कर दिए, 5 ए बी सी, इस तरह जो है वो आपने 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। लेकिन जो आपने डाटा स्टेटमेंट के अंदर वैल्यूज जो है वो डिक्लेयर की हैं या जो है वो आपने लिखी हैं वो जो है वो आपने 3 लिख दी या जो है वो 4 लिख दी, तो मतलब कि आपके पास जो है वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है वो ज्यादा होंगे और जो आपके पास डाटा स्टेटमेंट के अंदर वैल्यूज होंगे वो कम होंगी। तो फिर आपको जो है वो आउट ऑफ डाटा का एक एरर मैसेज जो है वो शो हो जाएगा। और अगर जो है वो आपने जो रीड स्टेटमेंट के अंदर वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं वो आपके पास कम है, लेस है, किससे, जो डाटा स्टेटमेंट के अंदर आपने वैल्यूज दी हैं वो जो है वो ज्यादा हैं और जो वेरिएबल्स की तादाद है वो जो है वो कम है, तो फिर क्या होगा। तो अगर जो है वो आपके प्रोग्राम के अंदर आपने कोई एक और रीड स्टेटमेंट यूज की है तो जो अगली रीड स्टेटमेंट चलेगी वो क्या करेगी, वो जो वैल्यूज डाटा स्टेटमेंट के अंदर बची थी
जो रह गई थी जिनको रीड स्टेटमेंट ने रीड नहीं कर सकी थी क्योंकि उसके पास वेरिएबल्स जो थे वो कम थे, आपके पास वैल्यूज जो थी वो ज्यादा थी। तो अगर आपके प्रोग्राम के अंदर कोई और रीड स्टेटमेंट है तो जब जो है वो दूसरी रीड स्टेटमेंट चलेगी तो जो वैल्यूज रह गई थी उनको जो है वो पहले वो उन वैल्यूज को रीड करेगी। लेकिन अगर जो है वो आपके पास कोई और रीड स्टेटमेंट नहीं है और आपके पास जो है वो डाटा जो है वो डाटा स्टेटमेंट के अंदर जो वैल्यूज हैं वो आपके पास बच गई हैं, तो फिर क्या होगा, फिर उन वैल्यूज को जो है वो इग्नोर कर दिया जाएगा, उनको जो है वो रीड नहीं किया जाएगा, उनको इग्नोर कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है वो इसका सिंटैक्स है। तो सिंटैक्स के अंदर रीड वेरिएबल्स, रीड आपने इस तरह लिख देना है, वेरिएबल्स की जगह पे आपने जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं उनके नेम लिखने हैं, ए बी सी डी ई एफ जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं वो लिख देंगे। और उसके बाद जो है वो डाटा और वैल्यूज, डाटा आपने वैसे का वैसे लिख देना, फिर उन वेरिएबल्स के अंदर जो आपने वैल्यूज को सेव करना है, स्टोर करना है, वो वाली वैल्यूज जो होंगी वो डाटा के आगे आप लिख देंगे, 10, 20, 30 जो भी आप लिखना चाहते हैं, कोई नेम लिखना चाहते हैं तो वो जो है वो आप डाटा के आगे जो है वो लिख देंगे। तो अगर जो है वो आप वेरिएबल्स जो है वो डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आप एक वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर जो है वो आप एक वेरिएबल्स की लिस्ट डिक्लेयर करना चाहते हैं या आप दो वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, उनको जो है वो आप एक वेरिएबल लिखेंगे कॉमा, फिर दूसरा वेरिएबल, फिर इसी तरह सो ऑन आप जो है वो लिखते रहेंगे, मतलब के हर वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से सेपरेट करने के लिए आप कॉमे का यूज करेंगे। इस तरह डाटा के अंदर जब आपने डाटा स्टेटमेंट के अंदर वैल्यूज लिखनी है तो उन वैल्यूज को भी आपने सेपरेट करने के लिए जो है वो कॉमे का यूज करना है। तो एक वैल्यू लिखेंगे उसके बाद कॉमा, फिर जो है वो दूसरी वैल्यू लिख देंगे और इसी तरह आप जो है वो उसको लिखते रहेंगे। इसको जो है वो एक एग्जाम्पल के साथ जो है वो देखते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, रीड वैसे का वैसे लिख दिया, एक्स वाई एंड जी लिख दिया, ठीक हो गया, हमने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए, तीनों को जो है वो हमने कॉमे के साथ सेपरेट कर दिया। अब एक्स वाई जो है ये हमारे पास जो है वो जो हमारे पास x और y है ये जो है वो न्यूमेरिक वेरिएबल्स हैं, इसके अंदर आप जो है वो कोई नंबर्स वगैरह जो है वो स्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो z, z के साथ हमने लिखा डॉलर साइन, तो डॉलर साइन जो है वो पीछे जब हमने सिंबल पढ़े थे तो वहां पे पढ़ा था कि जो डॉलर साइन होता है ये जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू के साथ यूज होता है। तो अब क्या होगा, अब जो आपने डाटा स्टेटमेंट यूज करनी है, अपने x और y के लिए जो है वो नंबर्स यूज करने हैं कि कोई नंबर इसके अंदर जो है वो सेव करवाने हैं, और जो z है इसके अंदर आपने कोई स्ट्रिंग वैल्यू जो है वो स्टोर करवानी है। स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर कोई भी जो है वो नेम हो सकता है, किसी कंट्री का नेम, किसी भी पर्सन का नेम, कुछ भी जो है वो हो सकता है, उसको आपने डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर जो है वो लिखना है। तो नेक्स्ट जो है वो देखते हैं कि इसके अंदर क्या स्टोर करना, डाटा और उसके बाद लिख दिया 10, 20 और कॉमा उसके बाद उस्मान लिख दिया डबल कोटेशन मार्क के अंदर। तो इसका क्या मतलब हो गया कि जो हमारे पास रीड के अंदर जो वेरिएबल एक्स है उसके अंदर क्या सेव होगा, 10, और जो y है उसके अंदर 20, और जो z है उसके अंदर स्ट्रिंग जो है वो उस्मान सेव हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट एक्स वाई सी, और हमने क्या करना है कि एक्स वाई सी के अंदर जो चीजें सेव हुई हैं उनको क्या कर देना है, प्रिंट करवा देना है, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है, शो करवाना है। तो उसके बाद आपका प्रोग्राम एंड हो गया। तो जब जो है वो आप इसको प्रिंट करवाएंगे, जब प्रोग्राम की आउटपुट शो होगी तो आपको क्या शो हो जाएगा, आउटपुट जो है वो 10, 20 और उस्मान जो है वो लिखा हुआ आपको शो हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा आज का लेक्चर था। अल्लाह हाफिज़।